क्या आपने सोचा है कभी कि आपको बिजनेस करना चाहिए था या आप जो नौकरी कर रहे हैं वो सही है आपके लिए? आप बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, कई बार ऐसे पूछते हैं, आचार्य जी मैं बिजनेस करूं, मुझे उसमें रिस्क लगता है, लेकिन क्या मैं बिजनेस के लायक हूं या क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए या मैं क्या बिजनेस कर सकता हूं? ऐसे सवाल बहुत सारे कई बार आते हैं हमारे सामने। ये बिजनेस या बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हम जो भी देखते हैं उसके लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा? जो माउंट ऑफ मरकरी है, जो मरकरी फिंगर है, और अगर हाथ में हमारी जो है लाइन ऑफ मरकरी है या नहीं है। तो इसी सवाल का जवाब को ढूंढते हुए आज का हमारा जो विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो वीडियो है, इसी बात पे है। इससे हम क्या क्या और पता लगा सकते हैं, ये मरकरी लाइन क्या सिर्फ बिजनेस के बारे में ही बताता है या कुछ और भी बताता है? तो चलिए आइए देखते हैं कि माउंट ऑफ मरकरी या लाइन ऑफ मरकरी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारी हथेली में। हरे कृष्ण, मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी। मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्रिश बाय सुमन में। देखिए, जो मरकरी है वो हमारी इंटेलेक्ट को बताता है। मरकरी हमारी जो स्पीच है, हमारी जो बात करने की तरीका है, बुद्धि है, उसके बारे में बताता है। मरकरी जो है हमारी बिजनेस या हमारी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में या नेगोशिएशन स्किल के बारे में ही बताता है। तो अगर हमारा माउंट ऑफ मरकरी जो है, जो कि हमारी छोटी वाली उंगली है, उसके नीचे जो पर्वत है जिसको हम माउंट ऑफ मरकरी बोलते हैं, अगर वो वेल डेवलप्ड है, उसमें अगर अच्छी रेखाएं हैं, यानी सीधी रेखाएं हैं, उसमें कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई आइलैंड नहीं है, कोई कटी पिटी कोई दाग नहीं है, और ये जो मरकरी के जो फिंगर है, फैलेंज है, जो ये वाला पोर्शन है, वो जो है सूर्य की जो फैलेंज तक जा रहा है या उससे ऊपर है, तो आप बिल्कुल आप जो है बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस करने के लिए जैसे हमें पता है कि मरकरी बहुत अच्छा होना चाहिए, मरकरी आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मरकरी आपकी हथेली में अच्छी दिखना चाहिए। आज हम ये देखेंगे कि लाइन ऑफ मरकरी, जिसको हम बुध रेखा बोलते हैं, वो क्या बताता है। देखिए, बुध रेखा जो हमारी प्राचीन शास्त्रों में, जो हमारी सामुद्रिक शास्त्र है, उसको बुध रेखा को जो है स्वास्थ्य रेखा भी बताया गया है। स्वास्थ्य रेखा क्योंकि ये हमारी जो और लीवर की जो रेखा है, लीवर लाइन भी बताया गया है। देखिए, बुध का जो रेखा है या जो मरकरी लाइन है, वो हमारी स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आपके शरीर में बाइल जो सिक्रेशन है वो रेगुलेटेड वे में हो रहा है या कंट्रोल्ड वे में हो रहा है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। जब आपका सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपके शरीर के जो ऑर्गन्स है, बाकी जो कि किडनी, ब्लड या हार्ट है, वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा। हार्ट में जो है प्रॉपरली जो है सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड मिलेगा, जो कि शरीर में सारे कोशिकाओं में जाएंगे, सारे सेल्स में जाएंगे, और हम अच्छी एक हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। जब हमारा लाइफ हेल्दी होगा, जब हमारा स्वास्थ्य हेल्दी होगा, तो चांसेस बहुत अच्छा है कि हमारी माइंड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा, हमारी सोच, हमारी बुद्धि जो है प्रॉपरली काम करेगा। ये है, तो जब हमारा बुद्धि प्रॉपरली काम करेगा तो हम डिसीजंस अच्छे लेंगे। सो इस तरीके से हम इस चीज को जोड़ के देख सकते हैं। अगर हमारा जो शरीर में जो है पित्त का परिमाण अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, और उस केस में जो है हमारी, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, तो हेल्थ सिस्टम जो है ख़राब हो जाएगा, और ऐसे में जो है इंसान, क्योंकि उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगा, तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसका पुअर हो सकता है, उसकी जो मेमोरी या जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो मेमोरी का जो रिटेंशन है, वो कम हो जाएगा। लाइन ऑफ मरकरी जो है, अगर ये सही तरीके से आपकी हथेली में बनी हुई है, तो ये आपको जो है एक एक्स्ट्रा एज देगा कि किसी भी एवरेज इंसान के अगेंस्ट में, जिसके हाथ में ये लाइन ऑफ मरकरी नहीं है। लेकिन यही अगर मरकरी लाइन अगर अच्छी तरह नहीं बना हुआ है, जो आपके अभी स्क्रीन में दिख रहा है, जैसे अगर ये लाइन अगर कटी हुई है, ये लाइन अगर स्ट्रेट नहीं है, कहीं पे जो है क्रॉस है, या कहीं पे जो है इसका आइलैंड बना हुआ है, दीप जैसा बना हुआ है, तो देन ये जो है आपके लिए जो है घातक काम करेगा और अच्छी अंजाम नहीं देगा, या आपको बिजनेस में सक्सेस नहीं देगा, आपके हेल्थ कंडीशन को डिटेरियोरेट करते जाएगा। आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि लाइन ऑफ मरकरी कहां से और क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे कैसे फल देते हैं। तो जब ये लाइन ऑफ मरकरी केतु और मून पर्वत के बीच में बनता है, तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा इंट्यूटिव स्किल देता है, इंट्यूटिव एबिलिटी देता है इंसान को, जो उस इंसान को जो है कुछ भी होने वाला है उसको उससे पहले ही पता लग जाता है, या उसको पहले जो है आभास आ जाता है। यही बुध की रेखा अगर जो है शुक्र पर्वत से निकल के अगर बुध पर्वत की तरफ जा रहा है और ये अच्छी बनी हुई है, कहीं कट नहीं रहा है, कहीं पर कोई क्रॉस नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, कोई आइलैंड नहीं है, तो ये जो है आपको अपने रिलेटिव से जो है सपोर्ट दिलाता है। रिलेटिव के जरिए आप बिजनेस में अच्छे करते हैं, आपके जो क्लोज वंस है, रिलेटिव्स है, उनसे उनके हेल्प के द्वारा आप अच्छा करते हैं। यही बुध की रेखा जब चंद्र पर्वत से निकल के अगर बुध पर्वत की तरफ जाता है, तो ये इंसान को जो है एक बहुत ही एक दैविक शक्ति देता है, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स है बेसिकली ये, और ऐसे में जो है वो इंसान
जो है ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करता है। कोई भी गूढ़ शास्त्र यानी कि ज्योतिष हो गया, हस्तरेखा हो गया, या अंक शास्त्र हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ऐसे में वो बहुत अच्छा करता है। और उस इंसान की जो बुद्धि है वो बहुत प्रखर होता है, बहुत तेज होता है। यही बुध रेखा जब हमारे भाग्य रेखा से निकल के अगर बुध पर्वत की तरफ जाता है तो ये जो है भाग्योन्नति देता है, भाग्य में जो है बहुत तरक्की देता है बिजनेस के द्वारा, अगर अच्छी तरह बनी हुई है तो। बुध रेखा जब यहाँ पे केतु माउंट से निकल के अगर बुध की तरफ जा रहा है और यहाँ से एक ब्रांच निकल के जब गुरु पर्वत की तरफ जाता है तो उस इंसान को जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाता है, बहुत ज़्यादा उसकी मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छा होता है, उसकी लीडरशिप एबिलिटी बहुत अच्छा होता है। और अगर गुरु पर्वत का अगर कोई स्टार बना हुआ है तो ये उस इंसान की जो वो सफलता है वो मल्टीफोल्ड कर देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा और फैला देता है। और वो उस इंसान की जो है वो इंसान जिंदगी भर उसको कोई धन संपदा इन सब चीज़ों की कमी नहीं रहती और वो सफलता की जो सीढ़ी है जो है एक के बाद एक चढ़ते जाता है। ये बुध पर्वत से जब ये लाइन ऑफ मरकरी से एक रेखा निकल के जब ये सैटर्न पर्वत की तरफ जाता है तो वो उस इंसान की सफलता जो है कोई अच्छी जो एक अच्छे बिजनेस स्किल को दिखाता है। लेकिन वो इंसान जो है बिजनेस स्किल तो अच्छा होता है, साथ में वो इंसान जो है बहुत खर्च जो है बहुत सोच समझ के करता है और उस इंसान का विजडम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज होता है। हालांकि वो इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक होता है, यानी कि वो अपने काम के पीछे अपना सारा एनर्जी झोंक देता है। लेकिन यही लाइन ऑफ मरकरी से जब एक रेखा निकल के अगर सूर्य पर्वत की तरफ जा रहा है तो ये तो एक बहुत ही शुभ चिन्ह है। इनफैक्ट ये तीनों ही बहुत शुभ चिन्ह है। जब सूर्य पर्वत की तरफ जाता है तो इस इंसान की जो है तरक्की को 100% इंश्योर होता है और इसके साथ उसकी यश, उसकी फेम, उसकी नाम, उसकी ख्याति जो है देश विदेश में फैल जाता है। तो इस तरीके से लाइन ऑफ मरकरी अगर अच्छी तरह अगर हमारे हथेली में बनी हुई है तो ये बहुत अच्छा हमें फल देता है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अगर ये लाइन ऑफ मरकरी अगर बीच बीच में अगर डॉटेड है, अगर कटा हुआ है, अगर ग्रील्ड है तो ये हमारी जो है लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को दिखाते हैं, हमारी कोई गैस्ट्रिक ट्रबल को दिखाता है और इस इंसान की फिर ये दिखाता है कि उसके हेल्थ सिस्टम में जो है कोई कमी है या कोई कमजोरी आने वाली है। अगर ये लाइन ऑफ मरकरी जो है कहीं पे लाइन ऑफ मरकरी के एंड पे जाके कहीं क्रॉस आ रहा है तो ये जो है कोई फैटल हेल्थ इश्यूज को दिखाता है, कोई फैटल हेल्थ प्रॉब्लम को दिखाता है जिससे उस इंसान को जो है कोई ऑपरेशन या सर्जरी भी हो सकता है। देखिए लाइन ऑफ मरकरी के एंड पे अगर क्रॉस हो और अगर उस इंसान का जो हार्ट लाइन है वो ना हो, यानी कि हृदय रेखा ना हो, और जो मस्तिष्क रेखा है उसमें भी अगर वो भी अगर सही तरह बनी हुई ना हो, या उसमें भी जो है आइलैंड जैसी दिप जैसी बनी हुई हो या वह भी हो, तो ये बताता है कि वो इंसान जो है डिसऑनेस्ट है, वो इंसान है वो धोखेबाज हो सकता है। ऐसे इंसानों से जो है आपको दूरी बना लेना चाहिए क्योंकि वो चीट करते हैं या फ्रॉड स्टार होते हैं, तो ये जो है एक बहुत ही अशुभ चिन्ह माना जाता है, या फ्रॉड स्टार होते हैं तो ये जो है एक बहुत ही अशुभ चिन्ह माना जाता है। लाइन ऑफ मरकरी अगर जो है एक लैडर जैसे फॉर्मेशन में जब होते हैं और स्पेशली जब लाइफ लाइन भी यानी कि जीवन रेखा में भी जब जो है अच्छी तरह ना बना हो जीवन रेखा, और जीवन रेखा और जो लाइन ऑफ मरकरी है दोनों जगह पे अगर कहीं पे कहीं गैप है तो ये इस इंसान को उस स्टेज ऑफ लाइफ में उस जिंदगी के उस वक्त पे जो है कोई मेजर हेल्थ इश्यूज बताता है, तो ये एक बहुत ही अशुभ चिन्ह है। यानी कि वो इंसान जो है बहुत ही जल्द जो है कोई हेल्थ इश्यूज को जो है फेस करने जा रहा है, कोई हेल्थ बड़ा है मेजर या बड़ा या मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है उसकी ज़िंदगी में, ये बताता है। हमारा जो मरकरी लाइन है या लाइन ऑफ मरकरी जो है अगर कहीं पे शुरुआत में तो अच्छी है लेकिन बाद में चेंज हो जाता है, और एट द सेम टाइम वहाँ पे जो है माइंड लाइन पे जाके जब वो क्रॉस करता है वहाँ पे भी कोई ख़राब निशानी है, कोई क्रॉस हो या और जो हमारा जो जीवन रेखा है उसमें भी कोई अगर गैप हो उस टाइम या कोई दिप जैसा बना हुआ हो तो ये जो है उस इंसान की एक कोई मेजर हेल्थ ट्रबल को दिखाता है। और अगर माइंड लाइन पे जहाँ पे क्रॉस कर रहा है वहाँ पे अगर कोई अगर क्रॉस के निशान है या अच्छी तरह बनी हुई नहीं है, कोई अशुभ चिन्ह है, तो वो ये भी दिखाता है कि इंसान जो है उसके मेंटल कंडीशन भी बहुत डिटेरियरेट हो सकता है, बहुत ख़राब हो सकता है। और अगर क्रॉस हो तो ये भी हो सकता है कि वो इंसान जो है इंसैनिटी में चला जाए, यानी कि पागलपन
का दौरा भी उसको पड़ सकता है या पागलपन भी हो सकता है, ऐसी चीजों को भी बताता है। ये जो मरकरी लाइन है, अगर हेल्थ लाइन या मरकरी लाइन जिसको हम कह रहे हैं, अगर ये वेवी नेचर को, देखिए कोई भी अगर लाइन वेवी नेचर है तो जैसे आप लोगों को पता है कि अच्छी चिन्ह नहीं है, तो वैसे ही जो मरकरी लाइन है या हेल्थ लाइन है अगर वो वेवी नेचर की हो तो ये बताता है कि जो बाइलसनेस है, जो पित्त का जो जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बाइलसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ऐसे में जो है हेल्थ में जो है जॉन्डिस रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकता है या आएगा, या कोई रूमेटिक जो है प्रॉब्लम या हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी बताता है। या उस अगर उस टाइम पे अगर उसका माइंड लाइन जो है, उसका जो मस्तिष्क रेखा है, अगर वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसका जो है वो उस वक्त जो है मेंटल डिप्रेशन में जा सकता है या कोई मेंटल एंग्जाइटी में जा सकता है, इन चीज़ों को भी दिखाता है। अगर लाइन ऑफ मरकरी जो है एट द एंड में जाके उसके जो उसके ब्रांचेज जो है अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जैसे आपको पता है कि जो भी रेखा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है वो जिंदगी में जो है ग्रोथ को दिखाता है, जिंदगी में जो है तरक्की को दिखाता है, तो ऐसे में जो है वो इंसान को जो है दिखाता है एंड ऑफ लाइन ऑफ मरकरी का एंड में जाके अगर ब्रांचेज ऐसे निकल रहे हैं जैसे आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वो इस इंसान को दिखाता है कि उस इंसान की जिंदगी में जो है तरक्की होने वाला है, बिजनेस में सक्सेस होने वाला है। लेकिन वही ब्रांचेज अगर नीचे की तरफ जो है उसकी लाइन ऑफ मरकरी के नीचे जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करके हो रहा है, तो ये दिखाता है कि इसको जिंदगी में तरक्की तो मिल सकता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पराक्रम करना पड़ेगा, बहुत आसानी से इसको सक्सेस या सफलता नहीं मिलेगी, ये चीज दर्शाता है। अगर मरकरी लाइन बहुत अच्छी तरह बनी हुई है, बहुत लॉन्ग है, बहुत नैरो है, आई मीन बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, बहुत थिन नहीं है, तो ऐसे में जो है अगर आपकी हार्ट लाइन अच्छी बनी हुई है, अगर मरकरी लाइन अच्छी है और अगर जो मस्तिष्क रेखा है वो भी अगर अच्छी है, और अगर जब ये मरकरी लाइन मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर रहा है और फेट लाइन और ऐसे में जो है जो भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जो लाइन ऑफ मरकरी है यानी कि बुध रेखा, ये तीनों मिलकर जो ट्राइंगल बनाता है, तो ये दिखाता है कि उस इंसान को जो है ऑकल्ट साइंस पे यानी कि गूढ़ शास्त्र में बहुत इंटरेस्ट है और वो इंसान बहुत अच्छा करेगा अगर ये इनमें से सारी रेखाएं अच्छी तरह बनी हुई है और कहीं पे कोई क्रॉसेस या कोई कटी-पिटी निशाने नहीं है या कोई दिप नहीं बन रहा है। तो अगर ऐसे में जो है उस इंसान का जो उन्नत मास मार्स यानी कि जो 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 बाहरी मंगल है अगर उसमें भी अगर अच्छी निशाने हैं और वो भी उभरा हुआ है, तो वो जो है इस इवेंट को जो है बहुत ज़्यादा कन्फर्म करता है यानी कि इसकी तरक्की जो है निश्चित करता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस मरकरी लाइन के बारे में और अमाउंट ऑफ मरकरी के बारे में। ये लाइन वैसे तो सबके हाथ में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, इनफैक्ट अगर ना रहे तो भी अच्छी बात है। आई गेस 50% ऑफ द लोगों को जो है ये लाइन हाथ में नहीं रहता, लेकिन जिनके भी हाथ में रहे ये अच्छी तरह रहे, क्योंकि लाइन अगर अच्छी तरह रहेगा तो उस ये जो है उस इंसान की हथेली में जो है तरक्की को दिखाता है, उस इंसान की जिंदगी में जो है तरक्की बिजनेस में या कम्युनिकेशन स्किल में या साइंटिफिक रिसर्च में या कोई इन्वेंशन में दिखाता है। लेकिन अगर यही अगर लाइन अगर सही तरह नहीं बनी हुई हो और कहीं ब्रेकेज हो, कोई डिसकंटिन्यूटी हो, तो उसका इंसान को जो है स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज दिखाते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाता है और बिजनेस में फेलियर दिखाते हैं या कोई साइंटिफिक रिसर्च के साथ अगर वो इन्वॉल्व है कोई रिलेटेड है तो उसमें जो है ये विफलता या फेलियर को दिखाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा लगा होगा या इसमें आपको काफ़ी कुछ जानकारी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको आपके हाथ में अगर ये रेखा है और अगर फिर भी अगर इसमें कुछ अगर आपको डाउट्स है, अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अगर फिर भी आपको डाउट्स क्लैरिफाई नहीं हो रहे तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और मैं ऐसे ही जो है नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहूँगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए या क्या क्लैरिटी चाहिए, आपके हाथ में कौन सी रेखा है जिसके बारे में आपको पता नहीं लग रहा है। आप मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो है ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आम जनता को अपने हाथों के बारे में, अपने हथेली के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी की जो जो आगे होने वाली घटनाएँ हैं उसके बारे में पता चलते रहे। इससे जो है आप दूसरे का भला करेंगे और जब आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका खुद का भला होगा, क्योंकि आप जो दुनिया में देते हैं वही आपके पास वापस आता है। तो मैं तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर से मिलूंगा नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, परमात्मा आप सबको खुश रखे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। हरे कृष्णा।